हाय, दिस इज़ त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल मार्केटर त्रिलोक में, जहाँ की हम सेल्स और मार्केटिंग से बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं और नए नए आने वाले मार्केटर्स के लिए उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो चलिए आज हम अपनी नई वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इन 2020 विद त्रिलोक सिंह। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या इसमें हम ये देखेंगे कि फ्यूचर क्या है हमारा इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग को लेके 2020 में और आने वाले सालों में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केटिंग बिफोर जियो जो कि एक बड़ा बदलाव लेके आया था, एक रेवोल्यूशन लेके आया इंटरनेट की दुनिया में इंडिया में, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर हम थोड़ा डिस्कस करें कि मार्केटिंग बिफोर जियो, अगर मार्केटिंग और देखा जाए जियो से पहले, तो ज़्यादातर कंपनीज हो या कोई भी बिजनेस हो अपना एडवर्टीज़मेंट ज़्यादातर टेलीविजन्स पे देती थी, न्यूज़पेपर में देती थी, पोस्टर्स में देते थे, लिफलेट्स में देते थे, होर्डिंग्स में देते थे, बहुत सारी जगह थी जहाँ देते थे। लेकिन उस टाइम क्या था कि आपका टेलीविज़न से ही मैक्सिमम लोग जुड़े होते थे, ज़्यादा व्यूवर्स थे, ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होर्डिंग्स पे ऊपर फोकस करते थे। तो लेकिन अब क्या है कि उससे पहले, जियो से पहले इंटरनेट की बहुत कम डिमांड थे, इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में बहुत कम थे। पर आप जैसा देख सकते हैं कि 2015 के बाद अब जब जियो आया इंडिया में, तो इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत महंगा था। 1 GB अगर नेट के देखा रेट देखा जाए तो 200 रुपये के अराउंड पड़ता था हमें। पर जियो के आने के बाद जो 4G नेट जो स्पीड हमें मिला और उसके साथ पर डे नेट का जो कंजप्शन बढ़ा, हमें ज़रूरत मतलब बहुत ज़्यादा डेटा मिला, इससे क्या है नंबर ऑफ़ यूज़र्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया। बहुत सारे लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, उनके पास भी इंटरनेट एक्सेस आ गया। तो अगर देखें तो उसके बाद कैसे शिफ्ट हो गया मार्केटिंग, तो अब मार्केटिंग देखा जाए तो मार्केटिंग आफ्टर जियो, जियो के आने के बाद इंडिया में कहाँ कहाँ चेंजेस आए। सबसे पहला 4G आया, 4G आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, जो TV से लोग हट के आज नेटफ्लिक्स में आ गए, अमेज़ॉन प्राइम में आ गए और बहुत सारे ऑप्शंस, हॉटस्टार हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आ गए। आजकल मोबाइल में बहुत सारे लोग मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। तो और दूसरा देखा जाए तो वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं, इंस्टाग्राम पर आ गए हैं और गूगल पर आ गए। तो मैक्सिमम जो अभी हाफ ऑफ द लाइक वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो हमारे इंटरनेट पे है, और अभी ज़्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं, यूट्यूब पे टाइम बिताते हैं, गूगल पे टाइम बिताते हैं और नेटफ्लिक्स पे और बाकी वेब सीरीज़ देखने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे टाइम बिताते हैं और गेम्स में। तो ऐसा होता क्यों कि आज मार्केटिंग इस पर क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि देखिए मार्केटिंग स्पेशली वहाँ पर होती है। हमेशा क्या होता है, मार्केटिंग क्यों की जाती है, कोई भी कंपनी हो या प्रोडक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुंचाना चाहती है ताकि उस ब्रांड के बारे में लोगों को पता चले। तो पहले लोग TV ज़्यादा देखते थे, न्यूज़पेपर पे ज़्यादा पढ़ते थे या पोस्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए लोग उस पे ज़्यादा मार्केटिंग करते थे, वहाँ पे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट्स देते थे। तो वो एक बूमिंग इंडस्ट्री थी उस समय। पर जियो के आने के बाद, जैसा कि हमने बताया कि 4G आने के बाद नेट का रेट काफ़ी कम हो गया, तो उसके बाद क्या है, बहुत सारी जो इंडिया की जनता थी वो शिफ्ट हो गई इंटरनेट पे, वो मोबाइल पे शिफ्ट हो गई। तो आज जो वेब सीरीज़ हो या मूवीज़ हो, सारा वो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रही है या प्रमोट हो रही है, तो हर एक चीज़ देखिए। और लोगों का जो पहले सोशल इंटरेक्शंस था वो भी आज सोशल मीडिया पे आ गया। तो लोग जो आ गए, पब्लिक हमारी इंटरनेट पे आ गई। जब इंटरनेट पे आ गई तो जो कंपनीज़ हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, वो लोग, उनको दिखा कि ज़्यादा डिमांड हमारे इंटरनेट पे, तो वो लोग का भी जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया आज मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ये सारा जो डिजिटल मीडिया के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जियो के पहले एकदम अलग था, जियो के बाद एकदम चेंजेस आ गए। तो आगे अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ इन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया आफ्टर जियो, जियो के आने के बाद क्या क्या बदलाव आए इंडिया में। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, 2015 में अराउंड 30 करोड़ लोग थे जो कि इंटरनेट पे थे, 2016 में लाइक 34 करोड़ हो गए, 2017 में 42 करोड़ हो गए, 2018 से लेके 2020 में आज करीबन 69-70 करोड़ के करीब है। तो वही अगर आगे का शिफ्ट देखा जाए, ऑलमोस्ट 97-98 करोड़ के करीबन 2025 में पहुंचने का संभावना है। जो ये है स्टैटिस्टिका
डिजिटल मार्केटिंग आउटलुक ने इसका रिसर्च किया था, उसके बेसिस पे ये हमने रिपोर्ट दिखाया है आपको। तो आप देख सकते हैं कैसे शिफ्ट हो रहा है। आज जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, और इंटरनेट पे आने का मतलब है ज़्यादा कंपनीज़ इंटरनेट पे आना है, डिजिटल मार्केटिंग पे आना, और डिजिटल मार्केटिंग में आना है का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही जॉब्स क्रिएशन होना। हम आगे अगर जाते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो डिजिटल एड स्पेंड इन इंडिया, अगर हम देखते हैं तो डिजिटल एड स्पेंड इन इंडिया इज़ 160 बिलियन इंडियन रुपीस है 2019 में, विच विल बी एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू 540 बिलियन इन 2020। आप देख सकते हैं कितना उछाल आ रहा है, ऑलमोस्ट ढाई गुना ज़्यादा उछाल आ जा रहा है पहले से, और बहुत ही हाई ग्रोथ है इसमें। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट यूज़र्स, मतलब बहुत सारे जो नॉन इंटरनेट यूज़र्स थे वो इंटरनेट पे आ रहे हैं। एंड आगे अगर देखा जाए मोबाइल्स पे अगर शेयर देखा जाए जो ऐड का था वो 2019 47% था, जिसका एक्सपेक्टेशन से जो कि 64% होगा 2022 में। तो ये चीज़ें इनके कारण आप देख पा रहे हैं काफ़ी शिफ्ट हो रहा है मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चेंजेस जो आई 2020 में, जो कोविड आया, लॉकडाउन हुआ है इंडिया में, आपको भी याद होगा कि मार्च में हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, हम सारे लोग वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किए थे, एक नया कल्चर आया। तो इसने हमें क्या सिखाया? इसने हमें ये सिखाया, डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू बताया। जब हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग रखना था, ऑप्शंस हमारे पास नहीं था। अगर सोचो हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, ऑप्शंस नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता, तो हम कैसे अपने आप को इस चीज़ को, मतलब इतना बेनिफिट होते, कैसे एजुकेशन बच्चों को मिल पाती, कैसे आगे ग्रोथ करते हैं? तो एक जो ये डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू इंडियंस को बहुत अच्छे से सिखाया है इस लॉकडाउन ने, और लॉकडाउन के बाद जो लोग मतलब घर पे हैं वो लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे आ गए। इवन बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते थे वो भी आज इंटरनेट पे आ गए हैं। तो इससे आपको पता चल रहा कितना ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली इट्स अ कॉमन सेंस कि हमें समझ में आए कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया में। शिफ्ट आप देख पा रहे हैं कितना सारा है, और एक सबसे बड़ा रीज़न है अभी 5G इज़ कमिंग टू इंडिया। जैसा कि रिलायंस जियो ने, मुकेश अंबानी ने बताया है कि वो ऑफिशियली 5G लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में। अगर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर 5G आ रहा है, जब 4G आने के बाद इतना चेंजेस आया, तो 5G आने के बाद कितना बड़ा चेंजेस हो सकता है। हाई स्पीड मिलेगा और भी ग्रोथ मिलेगी, 4G डेटा जो और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना आसान होगा और लोगों तक ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री पहुंचना। तो अगर हम आगे अब देखें तो सबसे पहले ये चीज़ तो आप समझ गए हमारे कॉमन सेंस के ऊपर कि क्यों ग्रोथ हो रही है, क्या फ्यूचर है इंडिया में। तो अब अगर हम कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मेन एरिया इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये सब ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो कि किसी भी कंपनी में आपको मिल जाते हैं। ऐसे इन सारे पोस्ट को, इन सारे स्किल्स को सीख के आप जा सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। और डिजिटल मार्केटिंग में अकॉर्डिंग टू अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग जो अलोन 2.5 लाख जॉब इन इंडिया बाई 2022। तो 2022 तक जो है 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करे अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट कर रहा है। तो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ वो तो कन्वेंशनल है, अब हमारे पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जो कि कन्वेंशनल नहीं थी? तो अब क्या है, आपके पास अगर कंपनी में जॉब मिला तो बेहतर है, अगर नहीं मिल पाया तो फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक और ऑप्शन है। वहाँ पे ऑप्शन आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे आप दूसरे किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके उनकी सेल करते हैं, उसके ऊपर कमीशन सबको मिलती है। और ये काफ़ी ज़्यादा लिक्रेटिव करियर है आज के दिन में, और इन फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिल जाती है। दूसरा बहुत ही ट्रेंडिंग करियर है जो कि है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स है, वुमन बाम है, कैरी मिनाटी है, ये सब क्या इन्फ्लुएंसर है। इनकी कमाई भी काफ़ी लाखों में, कई बार करोड़ों में भी होती है। तो आप सोच सकते हैं एक नया ऑप्शंस मिल जाता है अगर एक डिजिटल मार्केटर हुआ।
इसके अलावा क्या है, आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो अगर घर पे हैं, अगर किसी तरह कहीं बाहर नहीं निकल सकते, घर पे रह सकते, तो उसमें भी एक आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, एक एक्स्ट्रा स्किल्स होती है जो कि फ्रीलांसिंग की होती है, जिससे भी आप पैसा घर बैठे कमा सकते हैं। और एक बेनिफिट है इसका जो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग आपको बहुत ही हेल्प करती है अपने आप को पॉपुलर बनाने में, एक आप खुद के नाम की अलग एक पहचान बनाने के लिए, वो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आता है, जो अगर डिजिटल मार्केटर है तो वो बहुत बखूब ही जानते होंगे इसके बारे में, आपको कितना फ़ायदा कर सकती है। और जितना अच्छा पर्सनल ब्रांड आपका होगा, आप उतने ज़्यादा ही कमा सकते हैं अर्निंग्स, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और ब्लॉगिंग करते हैं आजकल लोग, उससे अच्छा ग्रोथ है। तो आप इस करियर को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है, आपको कॉन्टेंट क्रिएशन पसंद है, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास कन्वेंशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब है ऐसा नहीं है, उसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सिर्फ जॉब ही, ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिली तो आपके पास ऑप्शन ख़त्म, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी है जो खुद भी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास टैलेंट हो और आपके पास स्किल है तो यू कैन क्रिएट योर ब्रांड ऑल्सो, खुद का ब्रांड बनाइए, खुद का पैसा, खुद का बॉस बन सकते हैं आप। तो फ्यूचर आप देख सकते हैं कितना ब्राइट है हमारे डिजिटल मार्केटिंग करियर में। तो अगर आपको बताऊं कि जॉब्स में कितनी सैलरी मिलती है, तो सैलरी क्या है, इनिशियली अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां पे आपको 10 से 15,000 की जॉब होती है इनिशियली, अगर स्टार्टिंग फेज़ में हो डिजिटल मार्केट हो। इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 8 से 10,000 की मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, साल दो साल के अगर एक्सपीरियंस, साल से लेके 1.5 साल 2 साल के अगर एक्सपीरियंस आपका होता है, तो आपको आराम से 30-35,000 की सैलरी, जो कि 4 से 5 लाख का पैकेज मिल जाता है। और जहां अगर SEO एक्सपर्ट, किसी भी SMM एक्सपर्ट, जैसे दैट इज सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपका जो पैकेज होता है अप टू 15 लाख भी होता है। तो जैसे ये सब सारा कुछ डिपेंड करता है आपका पैकेजेस, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, स्किल्स के ऊपर में, आपकी जियोग्राफी के ऊपर में, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में। बट क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बाकी करियर में क्या है, अगर आपने सिर्फ वो कोर्स किया तो आप सिर्फ जॉब कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं मिला तो आपके पास दूसरा ऑप्शंस नहीं होते, पर यहाँ पे आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी खुले हुए हैं, जो कि है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में, और ख़ुद का बॉस बन सकते हैं, एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। तो अगर मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो एक चीज़ है कि ये चीज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और कुछ चीज़ें मैं बोनस टिप्स देना चाहूँगा आपको, ये तो हो गया, इसके बाद में कुछ बोनस टिप्स है कि इट्स अ प्रैक्टिकल डोमेन। हमेशा क्या है कि आप कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग करें, कितने भी अच्छे ट्रेनर से सीख लें, तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो डोमेन है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली जितना अच्छा वर्क करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होंगे, और जितना एक्सपर्ट होंगे उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो और दूसरी चीज़ क्या है, सेकेंड टिप है, बी एक्सपर्ट इन वन एरिया, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वास्ट डोमेन, ये बहुत बड़ा डोमेन है, यहाँ पे आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग को कभी एक्वायर नहीं कर सकते, इसलिए किसी एक एरिया को पकड़ें और उस पर एक्सपर्ट बने, तो आपका डिमांड भी ज़्यादा होगी, आपकी अर्निंग्स भी ज़्यादा होगी। प्रैक्टिस जितना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस की डिमांड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ग्रोथ आपको मिल सकता है। एंड द लास्ट इज़ कीप अपडेट योरसेल्फ, क्योंकि ये ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग जो कि हर समय बदलता है, हर समय चेंजेस होते हैं, हर समय नए अपडेट्स आता है, सो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ग्रोथ करना ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट मैं एक जो बताना चाहूँगा, एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि पेशेंस जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए, और पेशेंस आपको रखना होगा, मेहनत करनी होगी, और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट There is a lot of future. आप हमेशा कोशिश करो, आप बहुत अच्छा सक्सेस कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझा पाया हूँ और आपको समझ में आया है। अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है अगर इससे लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी आपको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप कुछ भी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं किसी अदर टॉपिक के ऊपर में रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स, तो नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके ही डिमांड पे बनाऊँ।
तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।